जो प्रकरण था अपना, अब इसमें क्या है कि मुख्य बात यह है हमारे को कि लग्न कुंडली में तो अपन देखते हैं भाव के हिसाब से, उसमें तो जो भी अपन जो है फल देखते हैं तो उसमें क्या है कि भाव के आधार पर विचार करते हैं, और चंद्र कुंडली में ग्रह के आधार पर विचार किया जाता है। इसमें यानी ग्रह जिस विषय का कारक ग्रह है उसके आधार पर हम सोचते हैं, न कि हम क्या है कि भाव के आधार पर सोचते हैं। हाँ, जैसे कोई कुंडली बना दो आप, फिर उससे क्या है कि और या पहले सिद्धांत आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे सूर्य है, ये मुख्य रूप से जैसे पिता का कारक है, राज्य का कारक है ना, और आयु का भी कारक है ना। राज्य में क्या है कि राजकीय सेवा भी आ गई, राजनीति भी आ गया योग, है ना। तो ये क्या है कि इनके बारे में अगर देखेंगे तो इसमें सूर्य की पोजीशन को हम देखेंगे। इसमें मतलब हमारे को सूर्य के आधार पर हम ये निर्णय लेंगे। इसमें ये है, हाँ, ऐसे ही जैसे चंद्रमा है तो ये माता के विषय में, और विशेष करके क्या है कि इसमें धन के विषय में और माता के विषय में, दो विषय में ही इसको देखा जाता है। अब धन में क्या है कि अपन आय के बारे में भी मतलब इसमें ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आय का लाभ का वो भी क्या है कि हम इससे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो जो भाव है वो सब चंद्रमा पर डिपेंड करेंगे इसमें। फिर जैसे मंगल है तो इसमें क्या है कि भूमि भवन इन दो का क्या है कि मुख्य रूप से हम क्या है कि मंगल से देखेंगे, शत्रु का भी इसमें मंगल से देखेंगे, फिर इसके बाद में है बुध। बुध का क्या है कि व्यापार संबंधी चीज हम जो है ना बुध से देखेंगे इसमें, हाँ, शिक्षा का भी कुछ अंशों में से देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, संबंध तो इसका है ही। तो शिक्षा के विषय में यदि कोई प्रश्न होता है तो उसको हम इसमें देख सकते हैं। फिर इसके बाद में है बृहस्पति। बृहस्पति में क्या है कि एक तो आयु के बारे में, विवाह के बारे में, शिक्षा के बारे में, और क्या है कि यश प्रसिद्धि उसके विषय में भी अपन देख सकते हैं इसको। फिर इसके बाद में है शुक्र। तो शुक्र का क्या है कि एक तो क्या है कि नेत्र के बारे में, और विशेष करके क्या है कि दाम्पत्य के विषय में, तो कुछ विवाह का कुछ इसमें भी आ जाता है, और शिक्षा का भी इसमें आ जाएगा थोड़ा सा अंश है इसमें, तो वो भी अपन इसमें विचार कर सकते हैं। फिर शनि है। शनि से क्या है कि रोगों का, मृत्यु का ये विचार कर सकते हैं। और जैसे किसी ने कोई नौकर वोकर रख रखा हो तो क्या है कि नौकर के विषय में भी क्या है कि इससे कुछ जानकारी मतलब जो है ना वो ले सकते हैं। फिर इसके बाद में राहु है। तो राहु से क्या है कि शिक्षा के बारे में भी है,
और जैसे क्या है कि पितृ वगैरह, पितृ दोष वगैरह, इनके बारे में भी मतलब जानकारी इससे मतलब जो है मिल जाती है। तो ये क्या है कि पितृ संबंधी कारक भी है। केतु को तो इसमें लेना ही नहीं है, केतु का तो क्या है कि वैसे ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से मतलब हम जिन जिन विषयों का विचार करेंगे, इसमें ग्रह से विचार, ग्रह की स्थिति से विचार करेंगे, इसमें भाव से मतलब हमारे को लेना देना नहीं है। यूँ अगर उस भाव में बैठता है तो अलग, मतलब वो तो जो है भाव को तो वहाँ देखेंगे लग्न कुंडली में, ये है। यहाँ पर केवल ग्रह को देखेंगे कि वो ग्रह इस चंद्र कुंडली में मतलब जो है क्या फल बता रहा है और आपकी उस कुंडली में क्या फल बता रहा है। तो या तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप मतलब लग्न कुंडली भी साथ में रखिए और चंद्र कुंडली भी साथ में रखिए, दोनों में फिर अपन जो है ना वो तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा सटीक रहेगा कि भाई इसमें तो क्या कह रहा है और उस कुंडली में क्या कह रहा है। है ना, महिलाओं की चंद्र कुंडली में विशेष रहता है? नहीं, वो तो एक अलग मेथड है, लेकिन अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना उसमें क्या है कि विषय वाइज पहले इसको देखना तो अपन सीखे ना, उसके बाद में फिर वो महिला वाला फल तो क्या है कि वो तो एक अलग चीज है फिर। हाँ, तो उसमें क्या कह रहा है वो और उसमें वो क्या कह रहा है, विषय एक ही रहेगा दोनों का, तो दोनों के विषय में क्या है कि वो तुलना करने पर अपने को ये समझ में आ जाएगा कि ये वास्तविक फल इसका क्या मतलब जो नहीं कहना चाह रही है दोनों कुंडलियाँ। तो आपके पास दोनों किसी की हो तो आप लिख दो, दोनों दो कुंडलियाँ आप बना दो इसमें। हाँ, तो अपन जैसे तो पहले जैसे सूर्य है, इसमें अपन ने लिखा है कि सूर्य से ये चीज़ें अपन देख सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि लग्न कुंडली में तो अपन ये देखेंगे, जैसे अपन को पिता के बारे में जानकारी करनी है तो पिता का भाव इसमें ये है, दशम भाव पिता, इसमें तो क्या है कि भाव के हिसाब से हम देखते हैं। और दशम भाव क्या है कि पिता के भाव में शनि बैठा है, स्वग्रही है, अपने घर का है। तो अपने घर का होने से क्या है कि ये शनि जो है पिता के लिए इष्ट है, मतलब अनिष्टकारक नहीं है, इष्टकारक है। इस पर क्या है कि सौम्य ग्रह बृहस्पति की दृष्टि उत्तम है, चंद्रमा की दृष्टि उत्तम है, मंगल की दृष्टि थोड़ी सी मतलब जो है ना वो इस पर आंशिक रूप से, मंगल कितना बलवान है वो तो क्या है कि इसके या तो डिग्री से आप मालूम करेंगे, है ना। हाँ, कम होगी तो क्या है कि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव, कुछ खास प्रभाव इस पर नहीं होगा। तो यहाँ क्या है कि इस लग्न कुंडली में तो ये बता रहा है, चंद्र कुंडली में हम यही चीज़ देखेंगे सूर्य से। यहाँ तो हमने भाव से देखी कि ये भाव है और इस पर इसकी दृष्टि आ रही है, और कोई दृष्टि देखें तो और कोई दूसरी जो दृष्टि आएंगी। तो अब इसमें जैसे यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि है शुक्र की और राहु की। तो राहु मित्र है, शुक्र भी मित्र है, कोई दिक्कत नहीं, मित्रों की ही दृष्टि है। अगर नवीं होती तब तो राहु की दृष्टि अनिष्टकारक हो जाती है ना, लेकिन चूँकि आठवीं ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, शुक्र की है कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर पिता की स्थिति इसने अच्छी बता रखी है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ ये सूर्य यहाँ पर बैठा है, यहाँ बैठा है सूर्य एकादश में, और ये है इस भाव का स्वामी होकर के और यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इस चंद्र कुंडली में क्या है कि हम चंद्रमा से देखेंगे, इसमें चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा से क्या है कि ग्यारहवें स्थान पर जा रहा है। अब ग्यारहवें स्थान में क्या है कि चंद्र कुंडली से जैसे दसम स्थान पिता का है और पिता के आगे ये धन का स्थान है, यूँ मान लीजिए एक तरीके से हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा से ये ग्यारहवां है, तो ये क्या है कि पिता के लिए ये वृद्धि कारक है। एक तो क्या है कि पिता के घर से आगे है, और दूसरा क्या है कि धनस्थान में बैठा है। यूँ मान लीजिए पिता का जैसे पहला मानेंगे तो ये धनस्थान होगा इसका, तो इसलिए क्या है कि पिता के लिए भी क्या है कि ये उत्तम है। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो शुक्र बैठा है, ये शुक्र की जो राशि है, तो शुक्र की इस राशि का मालिक शुक्र इससे आगे वाले में बैठा है, यानी हाँ यानी जो ये दूसरा भाव है इसका आगे धन भाव। तो ये भी क्या है कि आगे के भाव में बैठने से ये भी क्या है कि वृद्धि का कारक है, यह मान लीजिए एक तरीके से।
यानी पिता की भी वृद्धि करेगा, पिता की भी प्रोग्रेस होगी और धन की भी प्रोग्रेस होगी। ये क्या है कि ये चंद्र कुंडली बता रही है। अभी इसमें यहाँ राहु बैठा है, राहु मित्र होने के कारण क्या है कि यहाँ नुकसान नहीं करेगा, उच्च का है। इसमें ये जरूर हो सकता है कि जैसे कुछ धन का आगम है तो वो क्या है कि राहु के कारण कुछ मतलब अन्य तरीकों से भी धनार्जन हो जाए, ये संभावना जरूर लगती है। लेकिन क्या है कि पिता की जो है वृद्धि और इसका कारक है। अब देखिए इसमें क्या है कि राहु जो है द्वितीय को भी देखता है और द्वादश को भी देखता है, तो क्या है कि इस राहु की इस पर दृष्टि भी है क्योंकि ये द्वादश को भी देखता है। तो ये राहु की जो दृष्टि है सूर्य के ऊपर, ये पिता के लिए मतलब जो है ना अनिष्ट कारक है। इसमें राहु की जो दृष्टि थी वो अनिष्ट कारक नहीं थी यहाँ पर इस भाव पर, पिता के भाव पर, लेकिन यहाँ पर है चंद्र कुंडली में। तो अब इसमें क्या है कि जैसे राहु में सूर्य की महादशा या सूर्य में राहु का जो अंतर आएगा उसमें क्या है कि पिता को कुछ आंशिक कष्ट की संभावना ये कुंडली बताती है, ये कुंडली नहीं बताती। इस कुंडली में इतना जरूर है कि यहाँ पर जो शनि है तो इसमें जो मंगल की जो दृष्टि थी यहाँ मंगल बता रहा है, तो यहाँ शनि मंगल में या मंगल में शनि आएंगे तब यहाँ कोई थोड़ा हल्का फुल्का कोई अनिष्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए जितना भी पावरफुल है उसके हिसाब से कुछ मतलब जो है ना। तो ये दोनों कुंडलियों में क्या है कि हम जैसे फलित में देखें उसमें कि भाई उस समय में यदि पिता को कुछ मतलब जो है ना कोई कष्ट हुआ है या क्या है कि ये महादशाएँ है आई भी कि नहीं आई उसके जीवन में, तो वो क्या है कि अपन उसका परीक्षण अपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका परीक्षण करेंगे। इसी तरह से क्या है कि जैसे राज्य के लिए हम देखें तो राज्य के लिए भी स्थिति वही होगी कुल मिला करके, क्योंकि राज्य कारक सूर्य है वहां पर और आय भाव में बैठा है, तो इसलिए क्या है कि राज्य से आय का तो योग बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। और इसमें क्या है कि राज्य इस राज्य में ही बैठा है, इसलिए क्या है कि राज्य लाभ तो क्या है कि इसको मतलब है ही, परिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो राज्य कारक सूर्य वो भी यहाँ पर प्लस वाले भाव में बैठा है इस कुंडली में, तो राजयोग में तो कोई बाधा नहीं। राजयोग बनाने वाले तो दोनों ही ग्रह हैं, सूर्य शनि दोनों ही पॉजिटिव है इनके, यूँ मान लीजिए एक तरीके से सूर्य भी पॉजिटिव काम कर रहा है शनि भी पॉजिटिव काम कर रहा है, दोनों नेगेटिव नहीं है। हालांकि ये शत्रु ग्रह ही है लेकिन ये जो है नुकसान कारक नहीं है यहाँ पर। और इस कुंडली के अंदर अपन देखें राज्य में, तो ये राज्य का कारक जो सूर्य यहाँ पर बैठा है तो स्थिति वही है कि ये चंद्रमा से एकादश पड़ता है, तो ये क्या है कि लाभ का कारक है, मतलब उसको देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें राज्य संबंधी। तो राज्य के कारक में तो क्या है कि दोनों की पोजीशन मतलब जो है ना वो सेम है, ये मान के चलिए। फिर इसके बाद में आता है आयु का स्थान। अब आयु इसमें हम देखें तो इसमें देखिए क्या है कि अष्टमेश भी यहाँ पर बैठा है, फिर ये जो बुध है ये भी क्या है कि लग्न में बैठा है, तृतीयेश भी बुध है ये भी क्या है कि लग्न में बैठा है, एकादश का मालिक शनि है ये भी लग्न में बैठा है। तो ये जो लग्न कुंडली है ये दीर्घायु योग नहीं बता रही, इसको अपन क्या है कि मध्यमायु योग मान सकते हैं। तो मध्यमायु योग ये कह रही है। दूसरी इस कुंडली को देखते हैं आयु के विषय में, तो सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है। अब सूर्य पर किसी अनिष्ट कारक ग्रह की जो दृष्टि है वो हम देखते हैं, तो अनिष्ट कारक में देखो आता है पहले शनि जो सबसे ज़्यादा अनिष्ट कारक माना गया है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 पंचम दृष्टि पिचित्र प्रतिशत दृष्टि शनि की है, तो ये शनि ही इसको क्या है कि नुकसान पहुँचा सकता है, यानी इसकी आयु को जो नुकसान पहुँचाने वाला जो कारक है वो शनि है। यानी ये कुंडली जो अष्टमेश बता रही ना मंगल, मंगल उतना नुकसान नहीं करेगा जितना शनि करेगा, ये बात क्या है कि चंद्र कुंडली हमारे को बता रही है। डिग्री के आधार पर 75 डिग्री है। दूसरा कारण ये भी है कि इस कुंडली में भी मंगल क्या है कि लग्नेश का मित्र है, स्वयं लग्नेश ही है ना, अष्टमेश भी है लग्नेश भी वही है। दूसरी बात इस कुंडली में क्या है कि लग्नेश का मित्र है मंगल, है ना, लग्नेश कर्क का चंद्रमा है तो इसका क्या है कि ये मित्र है। तो इस कारण से क्या है कि मंगल जो है वो अनिष्ट कारक नहीं है इनके लिए, लेकिन क्या है कि शनि अनिष्ट कारक है, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी है जो ये भी क्या है कि माइनस का है,
और दूसरी बात इसमें क्या है कि ये यहाँ का स्वामी है जो अष्टम, ये भी माइनस भाव है, तो इसलिए शनि क्या है कि वो इसके लिए आयु के फैक्टर को कम करने वाला है। इसलिए शनि की महादशा यदि पड़ती तो शनि में सूर्य आने पर इस व्यक्ति के लिए मतलब जो है ना वो कुछ योग घातक बन सकती हैं। तो ये इस तरह से हम क्या है कि आयु के बारे में इसका विचार नहीं आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो क्या है कि योग है नहीं, फिर वो तो जो है कोई दिक्कत ही नहीं है उसके लिए। केतु की दशा चल रही है इसकी अभी। हाँ केतु की दशा हाँ, तो उसके बाद शुक्र की आएगी वो, तो फिर शुक्र के बाद सूर्य की आएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो आएगी नहीं। तो इसलिए क्या है कि शनि महादशा का तो काम ही खत्म हो गया तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आयु फैक्टर तो इसमें मध्यम ही बता रहा है, ये मतलब क्या है कि दीर्घायु योग नहीं है, ये है। सर दीर्घायु योग कितने साल के बाद मानते हैं? 60 के बाद, मतलब वैसे 30-30 का विभाजन किया है इन्होंने, 30 से 30 वर्ष तक तो अल्पायु मानना है, फिर 30 से 60 तक मध्यम आयु माना है, 60 से 90 तक फिर इन्होंने जो है ना वो दीर्घायु माना है, और 90 से ऊपर फिर परमायु माना है। इस तरह से इन्होंने इस तरह से माना है। तो ये क्या है कि भाव का विचार नहीं करते, नहीं ग्रह का करेंगे अपन विचार। हाँ इसके लिए ग्रह का, ग्रह की पोजीशन क्या बता रही है, तो जैसे हमने शनि में ग्रहों पर दृष्टि को तो देखेंगे। अच्छा नहीं कि अष्टमेश है ये उस कुंडली का, नहीं वो तो इसलिए कि भाई अनिष्ट कारक है कि नहीं। अच्छा तो अनिष्ट कारक तो इसलिए क्योंकि इसमें भी इसके होने के कारण ये अनिष्ट कारक है, और इसमें भी इसका मालिक होने के कारण ये अनिष्ट कारक है। अब इसमें क्या है कि मंगल यहाँ होने से अनिष्ट कारक तो है, लेकिन क्या है कि इसमें मंगल अनिष्ट कारक नहीं है, तो इसलिए यह निर्णय हो जाएगा कि मंगल अनिष्ट कारक नहीं है, ये है। क्योंकि अब यहाँ जैसे ये यहाँ अष्टम के कारण अनिष्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि इस लग्नेश का भी मित्र, उसके उस लग्नेश का भी मित्र है, और इस कुंडली में अनिष्ट कारक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अनिष्ट फल नहीं होगा। ऐसे ही क्या है कि जैसे हमें माता के बारे में जैसे जानकारी लेनी है इसमें, तो हम ये देखते हैं इस कुंडली में कि इसमें माता का भाव ये है, तो इसमें तो क्या है कि माता के भाव पर हालांकि अच्छे ग्रह बैठ रहे हैं, बृहस्पति बैठा है, चंद्रमा भी बैठ रहा है, मंगल भी बैठ रहा है, लेकिन शनि की इस पर दृष्टि है, चौथा स्थान है। हाँ ये तो माता का है ना चौथा, तो इस पर क्या है कि शनि की दृष्टि है, तो शनि इसके लिए घातक है, क्योंकि शनि बलवान भी है यहाँ पर अपने घर का है, और दूसरी बात क्या है कि ये यहाँ का मालिक होकर के भी बैठा है। अब ये कुंडली क्या कर रही है इसमें, इसमें क्या है कि माता का कारक चंद्रमा है, ये चंद्रमा माँ का कारक है, और इस पर भी वही शनि की दृष्टि है, और शनि अष्टमेश होकर के यहाँ बैठा है, स्थिति दोनों में मतलब एक जैसी स्थिति है, तो इसलिए क्या है कि माता को भी निश्चित रूप से क्या है कि शनि से ही मतलब जो है वो पीड़ा योग है, अन्य ग्रहों से नहीं है। तो माता पिता दोनों शनि की महादशा नहीं आती तो दोनों सेफ सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे चंद्रमा की महादशा तो आएगी ना, नहीं चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा में शनि का अंतर आएगा। हाँ चंद्रमा में शनि का अंतर आएगा, लेकिन वो कम आता है, मतलब शनि शनि क्या है कि अपनी महादशा में ही शनि बलवान होता है, जैसे चंद्रमा की महादशा आएगी तो शनि प्रभाव तो करेगा लेकिन उतनी बलवत्ता से नहीं करेगा जितना क्या है कि स्वयं की महादशा में करता, तो इसलिए क्या है कि वो कोई रोग बीमारी कर सकता है, बाकी कोई ज़्यादा मतलब कोई अनिष्टकारक फल नहीं दे सकता, मृत्यु इत्यादि का फल नहीं दे सकता वो, ये है। और शनि 11वें स्थान का मालिक है, 11वें का नहीं, इसका अष्टम का है ना ये यहाँ का, सर आपने इसमें इसमें तो एकादश का है ही यहाँ। सर शुक्र में क्या लिखा है, नेत्र दाम्पत्य विवाह और शिक्षा, लगन में तो अपने घर में बैठा है वो शनि। अब ऐसे ही क्या है कि जैसे धन आर्थिक स्थिति के बारे में हमें विचार करना है, तो धन के लिए अब इसमें तो धन भाव हम देखेंगे सबसे, अब धन भाव का मालिक शुक्र है और ये प्लस का मालिक होकर के यहाँ माइनस में बैठ गया, दूसरी बात क्या है कि राहु से भी इसकी युति है, तो क्या है कि ये जो है धन भाव में कमी कर रहा है,
एक तरीके से क्या है कि प्लस का मालिक माइनस में बैठा है और यहाँ बलवान है, राहु उच्च का है, तो मित्र तो है ये, लेकिन क्या है कि इससे ये पीड़ित जरूर होता है शुक्र। तो तात्पर्य ये है कि धन की स्थिति को ये जो है वो राहु खराब करने वाला है इसमें। अब इस कुंडली में हम देखते हैं तो इसमें हम चंद्रमा से विचार करेंगे, तो क्या इसमें चंद्रमा जो है वो धन भाव का मालिक है। अब इसमें क्या है कि मंगल बृहस्पति दोनों मित्रों के साथ बैठा हुआ है, मंगल इसका लाभ का मालिक है और बृहस्पति इसका क्या है कि भाग्य का मालिक है, और एक यहाँ का मालिक है षष्ठ। अब ये षष्ठेश होने के नाते बृहस्पति थोड़ी सी कमी ला सकता है, लेकिन धन भाव में ज़्यादा कमी नहीं लाएगा यदि चंद्रमा क्षीण नहीं है तो। क्षीण चंद्रमा होगा तब तो क्या है कि धन में कमी आएगी, फिर तो क्या है कि ये योग, इस वाला योग और उस वाला योग बराबर हो जाएगा। लेकिन क्षीण चंद्रमा नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि बृहस्पति के कारण कोई थोड़ी आंशिक कमी आ सकती है, बाकी वैसे जो है कोई ज़्यादा असर इसमें नहीं पड़ेगा, 2-4-5% असर पड़ सकता है। डिग्री से नहीं है क्षीण, तो आपको बताया नहीं कि वो तो क्या है कि कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के वहां तक का क्षीण माना जाएगा। तो ये मावस के बाद पड़वा दोष का आ रहा है सूर्य, क्या सूर्य अमावस्या के बाद का सूर्य नहीं जन्म, कृष्ण पक्ष का ये जन्म तो इसमें नहीं, वो तो है, लेकिन क्या है कि द्वितीय तृतीय जो भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ तो क्षीण चंद्रमा हो सकता है, क्षीण चंद्रमा होगा तब तो क्या है कि दोनों की स्थिति एक जैसी रहेगी कि भाई धन भाव में ये जो है ना वो कमी, ये भी योग बनाता है वो भी कमी का योग बनाता है। अब उसमें यही है कि इनको क्या है कि जैसे कोई धनहानि राहु की महादशा में हो सकती है, उसमें क्या है कि जैसे चंद्रमा की महादशा में हो सकती है, तो ये क्या है कि दोनों दशाओं को फिर उसमें आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर वो दशाएँ उसमें आई है और उसमें क्या फल मिला है। ये ये कैसे बताया आपने कि ये अमावस्या के बाद का चंद्रमा है? वो तो इससे चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ होते हैं ना, तब तो क्या है कि अमावस्या का होता है, अमावस्या के बाद में अब ये चंद्रमा यहाँ चला गया दो ग्रह आगे, तो मतलब 3 दिन ज़्यादा 3-4 दिन के अंतराल पर है, या तो चतुर्थी का जन्म होगा, या हो सकता है कि मतलब तृतीया का ही हो या चतुर्थी का, या बस ये चलेगा ना। नहीं वो तो चलता है, लेकिन वो क्या है कि 2.25 दिन का अंतराल रखता है ना, तो हो सकता है कि 2 दिन इसके साथ भी रह गया, 2 दिन इसके साथ भी रह गया, तो 4 दिन निकल भी सकते हैं, पंचमी का भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है कि ये तो अब देखिए आय के बारे में भी हम जैसे विचार कर सकते हैं इसमें, तो आय के बारे में भी उसकी स्थिति यही रहेगी, यानी आय के बारे में भी ये क्या है कि क्षीण चंद्रमा है, इसलिए क्या है कि आय के फैक्टर पर भी ये जो है कमी ला सकता है। अब इसमें आय की स्थिति देखते हैं तो इसका आयस हो करके और ये लाभ में बैठा है, तो इस व्यक्ति को क्या है कि आयस चूंकि अपने पीछे के भाव में जा रहा है, पीछे के भाव में जाने का मतलब ये है कि आय होने में विलंब लगेगा, मतलब पहले जो कुछ समय जो निकलेगा थोड़ा लंबा समय, उस समय में क्या है कि ज़्यादा धन अर्जन नहीं होगा, बाकी फिर जो है थोड़ा लंबा समय निकलने के बाद में फिर जो है वो धनार्जन की स्थिति बनेगी। तो ये कुंडली बता रही है, और उस कुंडली में हम देखें तो इसमें क्या है कि जैसे चंद्रमा क्षीण है, लेकिन ये क्या है कि जन्म की स्थिति है जिस स्थिति का हम विचार कर रहे हैं। अब इससे क्या है कि आगे की स्थिति का विचार करना है हमारे को, तो आगे की स्थिति का विचार क्या है कि हम इससे करेंगे, ये इसका भविष्य है यूँ मान लीजिए एक तरीके से, कि जन्म की स्थिति में तो क्या है कि चंद्रमा क्षीण था, इसलिए हो सकता है कि उस समय तो क्या है कि कुछ धनाभाव इसके कारण हो गया हो, उत्पत्ति के बाद भी कुछ हुआ हो, या क्या है कि क्षीण ही चल रहा हो उस समय, तो वैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन चूंकि ये जो इसका जो धन का मालिक चंद्रमा है, इसका जो भविष्य ये है वो है सूर्य, और वो आय भाव में बैठा है, तो इसलिए आय का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि आय भाव का संबंध इसके भविष्य से है। इसमें दो नंबर की आय तो ये राहु के कारण हो सकती है, केवल ये जो धनेश होकर के यहाँ बैठा है वो राहु है, तो राहु करवा सकता है, तो राहु तो उल्टे सीधे तरीके से धन ला सकता है क्योंकि ये शुक्र के साथ बैठा है, तो ये योग तो इस कुंडली में बन रहा है।
उस कुंडली में तो बन नहीं रहा ऐसा योग, लेकिन चूंकि क्षीण चंद्रमा है तो अब इसमें क्या है कि देखें तो यहाँ पर क्या है कि जैसे सूर्य वहाँ पर बैठा है शत्रुग्रही होकर के, फिर वो जो है ना उसका आय का जो मालिक शुक्र बैठा है उसके साथ राहु बैठा है, तो वो उस तरह से एक जो है वो अनुमान बन सकता है। बाकी वैसे इस कुंडली में तो ये योग है, बाकी उसमें जो है ना उस योग को तो एक ही अपन मान लीजिए कि जैसे द्रविड़ प्राणायाम करके मतलब अपन जो है कि भाई जो है ना ऐसे नहीं तो ऐसे शायद हो सकता है, वो संभावना कर सकते हैं, बाकी वैसे उस कुंडली में नहीं। तो इस तरह से क्या है कि हम इनका विचार करते हैं। अब जैसे भूमि भवन के बारे में क्या है कि मंगल कारक है भूमि भवन वाला, इसमें अब इसमें क्या है कि भूमि भवन में चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, ये लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। अष्टमेश होने के कारण ये थोड़ा सा अकारक है इसमें तो, है ना। हालांकि क्या है कि मंगल भूमि में जो है नुकसान नहीं करता, लेकिन अष्टमेश होने के कारण ये कभी कर सकता, ये संभावना आंशिक संभावना है, इसमें ज़्यादा संभावना नहीं। अब इसमें देखिए मंगल, तो यहाँ भी मंगल की वही पोजिशन है कि ये क्षीण चंद्रमा से युक्त होने के कारण थोड़ा सा मतलब जो है ये नुकसान कर सकता है, बाकी तो क्या है कि आंशिक नुकसान कोई भूमि भवन के मामलों में हो सकता है, बाकी स्थिति वही है, इसमें दोनों में सेम स्थिति है। अब इसमें जैसे शत्रु के विषय में देखें तो यहां पर क्या है कि शत्रु भाव का मालिक जो बुध है वो लग्न में बैठा हुआ है। लग्न में बैठने का मतलब यह है कि या तो दूसरों की से शत्रुता रहे या क्या है कि ये दूसरों का शत्रु रहे, ऐसा हो सकता है कि वे इसमें शत्रु वाला योग तो ये जो है लग्न में बैठने से थोड़ा प्रबल हो गया, यूँ मान लीजिए एक तरीके से। अब इसमें शत्रु का कारक हम देखते हैं मंगल, तो मंगल यहाँ पर शत्रुओं का कारक है, लेकिन इस पर क्या है कि शनि की जो दृष्टि आ रही है, और शनि मंगल का क्या है कि शत्रुता एक विशेष प्रकार की होती है, तो शनि की जो दृष्टि है मंगल पर तो उस कारण से यहां पर क्या है कि शत्रुओं का अवरोध है। इसमें दृष्टि है लेकिन इसमें क्या है कि 50% दृष्टि है, और उसमें जो आ रही है वहां पर पूर्ण दृष्टि आ रही है 100%, तो दोनों दृष्टियों में अंतर हो गया। यहां तो क्या है कि शनि 50% तो मतलब जो है ना वो कमी ला सकता है, लेकिन वहां पर क्या है कि वो 100% कमी ला रहा है, ये वाली बात। तो स्त्री कुंडली में ज्यादा देखेंगे चंद्र कुंडली का? नहीं नहीं, ये तो पहले एक बार इसका सिद्धांत देख रहे हैं कि भाई इस तरह से इसको देखा जाता है, फिर वो तो क्या है कि महिलाओं वाले तो नियम अलग है जिससे देखा जाता है, वो तो ये है। इसके लिए पुस्तक भी बताना, घर पर जाकर के फिर जो आप बता रहे हैं उसी के हिसाब से फिर पढ़ा करें। नहीं, वो क्या है कि पुस्तक आपको मिलेगी नहीं ना, समस्या ये है पुस्तकों में तो क्या है कि कुछ चीज़ें किसमें, कुछ चीज़ें किसमें, कुछ चीज़ें किसमें, और दूसरी बात क्या है कि कुछ ग्रंथ संस्कृत में है तो फिर वो आपके समझ में नहीं आएंगे मूल वाले, वो वाली बात है। तो ये है ट्यूशन ले लेना आप। नहीं, इसके क्या है कि पुस्तक लिख भी देते, लेकिन पुस्तकें लिखने का आजकल यही है ना कि कोई पब्लिशर तो कोई मिलता नहीं है उसके, कोई क्योंकि कम बिकेंगी कोई खरीदता है नहीं, तो इसलिए कोई सकते नहीं है, मूल बात ही है ना। आप तो तैयार करो पुस्तक। नहीं, लेकिन पब्लिशर भी तो तैयार हो ना अपने लिखने से, क्या है ये है ना, मूल बात ही है। दुनिया की छापता है वैसे वो छाप देगा? नहीं नहीं, वो वो क्या है साहब, उसके भी कई झंझट है उनमें, देख वो है ना। सर आप तो खुद ही देख सकते हो कि आपके योग है कि नहीं है, लिखी मैंने काफी 40 पुस्तकें, मेरी 40-45 पुस्तकें पब्लिश हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पुस्तकों का तो बहुत मेरा वो रहा है, लेकिन ये है कि ज्योतिष वाली नहीं लिखी मैंने अभी। हाँ नहीं, लिटरेचर तो मैंने बहुत लिखा है, लिटरेचर भी लिखा है, फिलोसफी की भी लिखी है, कई लिखी है, लेकिन 40-45 पुस्तकें, लेकिन क्या है कि ज्योतिष वाली लिखी नहीं मैंने, क्योंकि इसमें क्या है कि लिखने के लिए एक तो बहुत टाइम चाहिए और बहुत चिंतन करके चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ये है ना कि आप जैसे क्या है कि देख रहे हैं बता रहे हैं वो एक चीज़ अलग है, लेकिन
पुस्तक में आप क्या है कि डिक्लेरेशन वही देंगे जो 100% सही होता है, तब तो क्या है कि आपका जो है ना वो है, और आपने पुस्तक वैसे ही लिख दी तो फिर श्रीपुरी बाजार पुस्तकों की तरह बहुत पुस्तकें लिखते हैं, तो फिर वो फिर वो कोई मतलब की नहीं है। हाँ नहीं, वो कोई मतलब की नहीं है ना उसमें, क्या कि प्रतिष्ठा जो है ना खुद की, मतलब वही बात है ना, तो इसलिए क्या है कि उसमें बहुत चिंतन करके लिखना पड़ता है। नहीं, रिवीजन तो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, ये तो बात समझ में आ जाएगी आपकी कि हम इस तरह से देख रहे हैं, ये है ना विवाह का विचार। हाँ, अब जैसे विवाह इसमें क्या है कि शुक्र से, उस कुंडली में हम शुक्र से करेंगे, और इस कुंडली में हम करेंगे किससे, सप्तम भाव से। तो जैसे सप्तम भाव में क्या है कि यहाँ पर जो है ये इसका मालिक भी शुक्र है सप्तम भाव का, और शुक्र यहाँ राहु के साथ बैठा है, तो ये चूंकि राहु पाप ग्रह है, दूसरी बात उच्च का भी है, और इसके साथ बैठने से शुक्र पीड़ित स्थिति में, इसलिए क्या है कि ये जो है पत्नी से तो कुछ कष्ट के योग बनाएगा ही बनाएगा, यूं मान लीजिए, है ना। उच्च का इसलिए सर, ये अपने घर से आगे बैठा है इसलिए। नहीं नहीं, मिथुन में है ना उच्च का, मिथुन में तो उच्च का ही होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत। अब ये क्या है कि शुक्र पीड़ित स्थिति में, इसलिए क्या है कि ये जो है पति पत्नी में क्या है कि ये जो है विरोधाभास की स्थिति रह सकती है, आपस में एक दूसरे से कष्ट महसूस कर सकते हैं, वो वाली स्थिति। अब यहाँ शुक्र से देखेंगे तो वहाँ पर भी शुक्र की स्थिति वही है, कुल मिला करके क्या है कि शुक्र वहीं वहाँ पर भी वही राहु से पीड़ित ही है, तो दोनों कुंडलियों में इसकी स्थिति तो सेम है, समान है, पत्नी पीड़ित रहेगा। हाँ, दूसरी बात क्या है कि ऐसी स्थिति में जो विवाह का जो कारक होता है, तो उसमें क्या है कि सामान्यतः ये नियम है कि लग्नेश का अगर मित्र होता है, जैसे इस लग्नेश का मित्र है बृहस्पति, मंगल है ना, हाँ इस ये जो लग्नेश है मंगल, उसका मित्र बृहस्पति है, शुक्र नहीं है उसका मित्र, तो शुक्र यहाँ सप्तमेश है, सप्तमेश तो है ये, लेकिन विवाह ये नहीं करवाएगा, विवाह करवाएगा बृहस्पति इसका। जिस कुंडली में लग्नेश का मित्र शुक्र होता है उस कुंडली में तो शुक्र करवाता है, वहाँ बृहस्पति नहीं करवाता, वहाँ बृहस्पति जो है वो विवाह की दृष्टि से न्यूट्रल हो जाता है, वो विवाह नहीं करवाता। लग्नेश का मित्र शुक्र हो तो विवाह शुक्र करवाता है। हाँ, तब तो शुक्र करवाएगा, और लग्नेश का मित्र यदि बृहस्पति हो तो फिर क्या है कि विवाह बृहस्पति करवाएगा। अब उसमें क्या है कि कई बार बिना क्या है कि ये विचार किए कई लोग क्या है कि अरे तुम तो बृहस्पति की पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बृहस्पति का व्रत कर लो और हो जाएगी शादी, लेकिन अब वो उस कारण से नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो जो है करवाने वाला है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो कहेगा कि यार मैंने तो काफ़ी कर लिया लेकिन हुआ ही नहीं। तो वहाँ ये निर्णय आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विवाह का कारक इसका कौन है, तो इस कुंडली में जो विवाह कारक है वो बृहस्पति है, ये मान लीजिए, और इस कुंडली में भी क्या है कि बृहस्पति ही है, क्योंकि यही इसका कारक है, दोनों कुंडलियों में जो है वो कारक बृहस्पति ही आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से क्या है कि इसका जो विवाह होगा वो बृहस्पति ही करवाए। उस कुंडली में कैसे आ रहा है बृहस्पति? इसमें क्या है कि वैसे तो शुक्र को हम मानेंगे, जैसे विवाह का कारक हमने शुक्र को माना जैसे, तो वो तो क्या है कि विवाह की स्थिति को बताएगा, लेकिन विवाह कौन करवाएगा, तो इसके लिए तो क्या है कि लग्नेश के मित्र को देखेंगे, तो इसमें भी क्या है कि लग्नेश का मित्र तो बृहस्पति पड़ रहा है, शुक्र पड़ ही नहीं रहा, तो जब दोनों कुंडलियों में लग्नेश का मित्र बृहस्पति ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बृहस्पति ही जो है वो विवाह का कारक है, ये मान के चलिए। लग्नेश का मित्र बृहस्पति हो तो बृहस्पति, हाँ दोनों में से एक होगा, मतलब लग्नेश का मित्र या तो बृहस्पति या शुक्र। हाँ यही है बस, ये मोटा से बात। और अगर शुक्र हुआ तो शुक्र करेगा। तो ये क्या है कि निर्णय क्या है कि इस आधार पर लिया जा सकता है, शुक्र तो केवल क्या है कि सप्तमेश है, तो ये तो क्या है कि दाम्पत्य का कारक है, और दूसरी बात क्या है कि ये उसकी स्थिति को बताता है, पति पत्नी की स्थिति को बताएगा, ये है। अब इसमें जैसे अगर राज्य विचार करेंगे तो सूर्य से करेंगे। हाँ,
उधर सूर्य से करेंगे हम। अब इसी तरह से जैसे व्यापार का विचार करना है हमारे को, जैसे बुद्ध से करते हैं व्यापार का विचार, तो अब इसमें क्या है कि बुद्ध व्यापार का स्वामी यहाँ तो बैठा है, लेकिन ये क्या है कि षष्ठेश भी है और तृतीयेश भी है, तो इसलिए क्या है कि व्यापार का योग नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के भाव है और ये प्लस में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि व्यापार योग बिल्कुल नहीं बनेगा। और उस कुंडली में देखें तो बुद्ध जो व्यापार का मालिक है वो वहाँ पर बैठा है, दशम में बैठा है, तो दशम में तो बैठा है ये, लेकिन अब इस पर आप क्या है कि दृष्टि भी देख लीजिए इसमें, तो दृष्टि किसी की अगर खराब पड़ती है, जैसे शनि की पड़ रही है इसमें तृतीय दृष्टि, चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो ये क्या है कि 25% दृष्टि इसकी आ रही है, राहु की भी आ रही है, लेकिन क्या है कि कुछ काम कर सकता है, करने की इसमें क्या है कि संभावना बनती है, लेकिन आंशिक ही बनती है, क्यों, क्योंकि ये भी व्यय भाव का मालिक है होकर के यहाँ बैठा है, तो व्यापार करेगा तो क्या है कि खर्च ही ज़्यादा होगा, यूँ मान लीजिए उसकी इनकम हो सकता है कम हो, यहाँ भी माइनस भाव का मालिक होकर के बैठा है, तो इसलिए क्या है कि हम बुध का जो विचार करेंगे तो बुध की स्थिति में ये है कि आंशिक योग चंद्र कुंडली बताती है, ये कुंडली बिल्कुल नहीं बताती, और ये कुंडली क्या है कि व्यापार के लिए जो है, जैसे इसका शनि उत्तम है, अगर मान लीजिए किसी तरीके से ये मानसिकी ये निर्धारण कर ले कि मुझे व्यापार ही करना है, सर्विस नहीं करनी है, तो ऐसी स्थिति में शनि जितना बलवान रहेगा उतना ही इसको व्यापार चलेगा, ये है इसका व्यापार जो है वो शनि के ऊपर डिपेंड रहेगा, यूँ मान लीजिए एक तरीके से, और वो कुंडली कह रही है कि इसमें क्या है कि आंशिक जो है व्यापार चल सकता है और अन्यथा सर्विस ही करेगा, यूँ मान लीजिए, तो वैसे तो योग सर्विस का ही है इस कुंडली में, क्योंकि सूर्य अच्छा है यहाँ का त्रिकोण का मालिक होकर के और अच्छे भाव में धन भाव में बैठा है, तो सर्विस योग ही प्रबल है, वैसे व्यापार योग प्रबल नहीं है इतना, इधर भी उसमें बैठा ही है। हाँ, तो इस तरह से क्या है कि अपन उसका और इसका जो है वो तुलनात्मक अध्ययन हम मतलब जो है ना वो कर लेंगे। फिर जैसे क्या है कि इसका जो है शिक्षा के बारे में हम देख सकते हैं, तो शिक्षा का भाव भी क्या है कि इसमें भाव की दृष्टि से देखेंगे तो पंचम भाव विद्या का है और दसम भाव विद्या का है, ये दोनों भाव विद्या के हैं शिक्षा के मूल, पंचम का मालिक सूर्य है, ये अच्छे स्थान पर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें क्या है कि इसका मालिक इसी में बैठा है, तो विद्या योग उत्तम है, लेकिन दोनों भावों के मालिक जो है ना वो अलग अलग है और आपस में शत्रु भी है, तो विद्या क्या है कि दो प्रकार की होगी, दोनों प्रकार की विद्या ये ग्रहण करेगा, इंजीनियरिंग किया और फिर इसमें हुआ। हाँ, तो ये क्या है कि अभी इंजीनियरिंग का तो क्या है कि ये जो प्रबल था ना शनि, तो इसने अपनी तरफ खींच लिया, फिर सूर्य आया तो इसने सोचा कि जो है मैं अपनी तरफ मतलब सर्विस में ले जाऊं, तो वो उधर ले गया, तो तात्पर्य ये है कि बलवान ग्रह जो होगा ना तो वो क्या है कि जब बलवान होगा तब वो अपना काम कराने में मतलब वो सफल रहेगा, तो ये स्थिति क्या है कि बनती है उसके कारण। क्या रिलेशन नहीं, ये भाव भी शिक्षा का है और ये भाव भी शिक्षा का है, दोनों भाव शिक्षा के हैं, तो दोनों भावेशों की स्थिति देखेंगे ना अपन, दोनों भावों के मालिक की स्थिति देखेंगे इसमें, और यहाँ क्या है कि हम शिक्षा में जैसे बुध बृहस्पति शुक्र तीनों की स्थिति देखेंगे, तो इसमें क्या है कि जैसे बुध की स्थिति देखते हैं तो बुध क्या है कि लग्न में बैठा हुआ है, बृहस्पति की स्थिति भी यहाँ पर बृहस्पति भी लग्न में बैठा हुआ है और शुक्र उधर चला गया वहां व्यय में, तो बुद्धि के मालिक ये क्या है कि तीनों हैं, शुक्र और राहु तो प्रबल कारक है, ये भी क्या है कि शिक्षा का कारक है एक तरीके से, तो इसमें क्या है कि जैसे ये जो शिक्षा का कारक है ये थोड़ा कमजोर है, ये भी थोड़ा कमजोर है, लेकिन ये कारक कमजोर नहीं है, तो इस व्यक्ति की क्या है कि कुछ शिक्षा यहाँ पर भी हो सकती है, कुछ शिक्षा बाहर भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है, या जैसे मान लीजिए बाहर विदेश में भी हो सकती है, इस तरह का भी योग जो है इसमें ये दर्शाती है कुंडली, तो इस तरह से क्या है कि हम इसमें हर एक स्थिति के बारे में हम वो कर लें। ये तो व्यय भाव तो दूर के लिए ही है, हाँ,
आय भाव में होगा तो क्या है कि उपास का होगा, व्यय भाव में दूर का होगा। फिर क्या है कि भाग्य से व्यय भाव का व्ययेश भावेश का संबंध भाग्य के मालिक से होगा तो क्या है कि वो जो है बाहर ले जाएगा, ये भी है। तो इसलिए क्या है कि अब इसमें क्या है कि संबंध नहीं है इसमें, इसलिए बाहर तो नहीं ले जा सकता है, विदेश तो नहीं ले जा सकता है, क्योंकि भाग्य तो बृहस्पति है यहाँ का, और इस बृहस्पति का इससे कोई संबंध नहीं है, न दृष्टि संबंध है। हालांकि ये देखता है वैसे द्वितीय को, तो कुछ आंशिक संबंध हो सकता है, कुछ ऐसे क्या है कि योग बना सकता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं बनेंगे। कुछ इस तरह की गवर्नमेंट जॉब में हो तो इसके चांसेस है गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के? नहीं, छोड़ने का योग तो इसके है नहीं ना। छोड़ने का योग तो देखो क्या है कि राहु जो इसको जो देख रहा है, जैसे राहु जो है इसको पीछे को द्वादश को भी देखता है, तो राहु का कोई पीरियड कोई ऐसा आ जाए तो उसमें छोड़ सकता है, बाकी तो वैसे नहीं छोड़ने का है योग, क्योंकि ये तो प्रबल होकर के बैठा है यहाँ पर, तो इसलिए क्या है कि छोड़ने का योग नहीं है। लेकिन राहु के जो है पीरियड में कोई मानसिक कोई मतलब, क्योंकि राहु का तो मन पर प्रभाव होता है, तो ये क्या है कि मन में कोई ऐसा भाव कोई पैदा कर दे तो उसके कारण क्या है कि कोई छोड़ सकता है, तो उसकी संभावना कोई राहु के अंतराल में बन सकती है, बाकी वैसे नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम क्या है कि चंद्र कुंडली का मतलब ये जो है हम फल के साथ मतलब जो है ना कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, पर जो भी बताया एकदम विश्लेषण आपका बिल्कुल सटीक है। हाँ नहीं, मैं तो ये है कि आप इस पद्धति को आप मतलब जो है ना उसको थोड़ा सा मतलब जो है ना वो ग्रहण करें। अच्छा, शनि से देखो आप क्या है कि जैसे रोग मृत्यु नौकर इनका है, तो शनि जैसे यहाँ पर बैठा है और इस पर क्या है कि जैसे लग्नेश की दृष्टि है, यूँ मान लीजिए शनि के ऊपर, और मंगल की जो दृष्टि है, तो मंगल भी क्या है कि इस भाव का मालिक है, इस भाव का मालिक है, प्लस का होकर के देख रहा है, ये भी प्लस का होकर के देख रहा है, बृहस्पति रोगेश होकर के देख रहा है, तो ये बृहस्पति रोग कर सकता है, मतलब इसको यदि कोई रोग बीमारी हो तो बृहस्पति के पीरियड में हो सकती है। ये कुंडली तो ये बताती है कि रोग किससे संबंधित होगा। जैसे रोगेश बुध है ना, यहाँ इसका मालिक बुध यहाँ पर बैठा है छठे भाव का, तो ये है कि भाई रोग होगा, ये तो ये स्थिति बताता है कि भाई इसको रुग्णता हो सकती है, ये तो ये बता, और बुध की महादशा में विशेष करके हो सकती है, ये मान ली है ना। हाँ, तो वो तो क्या है कि जो इसमें बुध का ये है कि ज़्यादा वैसे इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक तो केंद्र में बैठा है ना, तो ये तो क्या है कि खुद ही कमज़ोर हो सकता है, तो ये क्या है कि अरिष्ट योग कर सकता है बाकी जन्म के समय, बाकी बाद में कोई प्रभाव नहीं करेगा। अब यहाँ क्या है कि ये जो है बृहस्पति यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो है ना वो अकारक है, तो बृहस्पति का कोई अंतराल आएगा उसमें हल्का फुल्का कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की महादशा भी बहुत लंबे समय बाद आएगी। हाँ नहीं, वो तो खैर आएगी। अब क्या है कि घातक बीमारी तो जो होती है ना वो क्या है कि छठे में या आठवें में कोई ग्रह बैठते हैं उनके अनुसार ही होती है, ये है। बाकी घातक बीमारी अगर क्या है कि छठे आठवें में कोई ग्रह नहीं बैठे हुए ना, तो इसका मतलब यूँ मान लीजिए कि कोई घातक बीमारी का योग है ही नहीं, तो घातक बीमारी के तो योग तो नहीं है, क्योंकि दोनों भाव यहाँ खाली है, दोनों भाव यहाँ खाली है ना, केतु तो न्यूट्रल है, मान है केतु कोई खास मतलब इसका कोई योग नहीं है ऐसा, क्योंकि ये तो क्या है कि राहु ही फल देता है इसमें, तो जैसे राहु वहाँ बैठा है ना ये, तो ये केतु की महादशा में क्या है कि राहु जो है वो करेगा गड़बड़, तो वो क्या है कि मानसिक कर सकता है क्योंकि वहाँ बैठा हुआ है वो, और इधर चंद्रमा को भी देख रहा है के अंदर अगर बृहस्पति का अंतर आया, चाहे वो थोड़े पीरियड का ही होगा, क्या उसमें तो रोग दे सकता है? केतु की महादशा चल रही है अभी, और बृहस्पति रोग का कारक है, तो जब वो छोटा सा पीरियड आएगा, हाँ, तो उसमें हल्का फुल्का कोई हो सकता है आंशिक, लेकिन क्या है कि घातक योग नहीं बनेगा। घातक योग तो क्या है कि वो उनसे तो रहित है, चला गया और उचका हो गया, और मंगल तो नीच का हो गया लेकिन बृहस्पति उच्च। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तो ज्यादा ज्यादा इतना प्रभाव पड़ सकता है कि व्यक्ति कम बोलने की आदत हो, मतलब जो ना आवश्यकता अनुसार बोलता हो, मतलब जो ना फालतू बात नहीं करता हो। बृहस्पति
व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला है। हाँ नहीं, वो तो क्या है कि प्रभाव इसमें चंद्रमा भी बैठा है ना, ये तो इस मंगल की बात बता रहा हूँ, जैसे मंगल बृहस्पति की युति होती है ना, तो उसमें ऐसा होता है। जैसे क्या है कि अष्टम भाव में हो गए, अगर मान लीजिए जैसे कर्क राशि में ही है और अष्टम भाव में बैठे हैं मंगल बृहस्पति, एक तो उच्च का एक नीच का है, तो ऐसी स्थिति में तो क्या है कि यूँ मान लीजिए कि बोली उसकी मतलब जो है ना बहुत कम मतलब जो है निकलेगी। कई बच्चों की तो क्या है कि वो पाँच पाँच छः छः साल तक आवाज नहीं आती ऐसी स्थिति में। हाँ तो क्या है कि ये तो जो है ना जहाँ बैठता है ना उसके अनुसार तो फल देता है। बताइए जो ये कम बोलने वाले या बहुत लेट बोलने वाले बच्चे हैं, सब कहते हैं इनको पूर्व जन्म का कुछ याद होता है, कुछ अंश होता है, अब ये तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो है वो याद तो किसी किसी को तो रह सकता है, लेकिन सबका नहीं है ऐसा। आगे इंटेलिजेंट बहुत होता है, जो लेट बोलने लगते हैं वो इंटेलिजेंट बहुत बनेंगे। तो उसमें क्या है कि मेरे भी प्रॉब्लम आए हैं ऐसा, वो पहले सुन लेते हैं फिर बोलते हैं, निष्कर्ष वाली बात। अब इसके बाद एक आपको थोड़ा सा उसका और बता देता हूँ, सूर्य कुंडली का। ये बिल्कुल डिफरेंट होगी, नहीं उसको कोई एक दो काम में देखा जाता अपने यहाँ ज्यादा उसका। वो तो क्या है कि जैसे विदेश का आप देखो तब तो क्या है कि वो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, नहीं तो बाकी यहाँ कोई ज्यादा अपना वो नहीं है। अमेरिका में उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, आप क्या देखते हो, तो वो कहते मैं तो ये लग्न नहीं, वो तो हो सकता है कि यहाँ के ही हो या फिर इंडियन एस्ट्रोलॉजी से ही वो मतलब जो है ना कर रहे हों, वो बात अलग है। बाकी वेस्टर्न में तो सब जगह पद्धति सूर्य कुंडली की ही है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो अलग ही होगी ना? हाँ वो अलग है, वो वही चलती है वहाँ तो, ये मान लीजिए एक तरीके से। हाँ तो वो क्या है कि वो सूर्य कुंडली से ही चलता है उनका। और वैसे भी क्या है कि अपन को भी फलित जो अपन इस अपनी कुंडली से जो फलित करेंगे ना, तो फलित तभी सही हो पाएगा जब पहले जो है उनके जन्म समय को अपन यहाँ के समय में कन्वर्ट करके फिर कुंडली बनाएं। तो वैसे कोई हिंदुस्तानी है, अमेरिका में रह रहा है, तो उसकी कुंडली जब देखेंगे तो सूर्य कुंडली देखेंगे, लग्न कुंडली देखेंगे। वैसे तो सूर्य कुंडली ही देखना चाहिए। अच्छा क्यों, यहाँ जो जन्मा हुआ है ना उसको तो भले ही वो बाहर रहता हो तो वहाँ भले ही उसकी कुंडली यहाँ के हिसाब से अपन देख सकते हैं तो वो तो फिट बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका जन्म वहीं हुआ है, वहाँ से नहीं, जो जिसका जन्म यहाँ हुआ है, हाँ रहे हैं, हाँ तो उसकी तो यहाँ से ही देखेंगे अपन। जन्म स्थान को देता है ना प्राथमिकता, लग्न कुंडली से, उसके लग्न से ही देखेंगे जन्म स्थान को प्राथमिकता देता है। अब देखिए ये जो सूर्य कुंडली है इसमें क्या है कि दो बातें देखी जाती है, एक तो क्या है कि राजनीति के विषय में इसको हम देखते हैं। और दूसरा क्या है कि हम जो है जैसे आप इसको उन्नति समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अपना क्या है कि जो भी है उन्नति है यश है, इसके विषय में क्या है कि हम जो है ना इसको देखते। और दूसरा क्या है कि विशेष करके इसको क्या है कि जीवन और मृत्यु दोनों के विषय में देखा जाता है। अब इसमें क्या है कि किसी कोई कुंडली आप बनाओ एक बार, फिर आपको क्या है कि उससे जिसमें सूर्य विषय में देखना है, राजनीति के विषय में जैसे हम क्या है कि इस कुंडली में देखना है, तो इसमें क्या है कि राजनीति के तीन कारक होते हैं सूर्य मंगल और बृहस्पति, ये तीन ग्रह ही जो है राजनीति में जो है ले जाते हैं। सूर्य मंगल और बृहस्पति ये तीन ग्रह जो है वो राजनीति के कारक है, यूँ मान लीजिए आप, इनके अलावा और कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो राजनीति में ले जाए। सूर्य मंगल बृहस्पति, तो इस कुंडली में क्या है कि सूर्य भी लग्न में बैठा है
और ये क्या है कि इस प्लस भाव का मालिक होकर के बैठा है। अब इसमें जो बुद्ध आया, ये बुद्धि ये आ गया, यहाँ का अष्टमेश हो गया ये, और इधर एकादशेश भी हो गया, तो ये क्या है कि इस राजयोग में बाधक है। बृहस्पति यहाँ पर है, ये कारक है, ये यहाँ का भी मालिक है और यहाँ का भी मालिक है। तो क्या है कि राजयोग इस व्यक्ति का बन जाए, मंगल भी यहाँ बैठा है तो मंगल भी यहाँ राज्य भाव में बैठा है और राजनीति का अच्छा कारक है, लेकिन ये षष्ठेश होकर के बैठा है। लेकिन लग्नेश होने से क्या है कि ये कुछ मामलों में, मतलब 50% तो ये पॉजिटिव है, ये मान लीजिए, और 50% ये क्या है कि नेगेटिव है, और ये 100% नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो राजनीति वाला योग है वो तो भंग हो गया। तीनों ग्रहों को हमको इसमें देखना पड़ेगा, सूर्य को, मंगल को और बृहस्पति को। अब राजनीति वाला योग तो भंग हो गया, लेकिन राजयोग भंग नहीं हुआ। क्या है कि राजयोग तो है, राजयोग में तो ये है कि बाधाएं जरूर रहेंगी, लेकिन क्या है कि राजयोग है। अब ये राजयोग कौन सा है, तो ये राजयोग है केवल कि राजाशाही ठाट बाटते रहने वाला योग, वो योग तो रहेगा, लेकिन क्या है कि इस जिसमें आंशिक थोड़ी कठिनाइयां भी हो सकती है, ये मान लीजिए इस बुद्ध के कारण और इसके कारण। ये व्यक्ति राज परिवार से संबंधित होगा, राज परिवार से संबंधित भी हो सकता है, राज परिवार का नहीं भी हो तो कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है कि कोई किसी से मतलब नहीं, अपने मस्त है। हाँ, अकाउंटेंट बना तो आरटीओ में पड़ गया। नहीं, अकाउंटेंट से मतलब नहीं है, मतलब ये कि जीवन जो बिताएगा वो एक राजा की तरह बिताएगा, राजा सही व्यक्ति की तरह बिताएगा, मूल बात ये है इसमें। अकाउंटेंट तो बन ही नहीं सकता क्योंकि बुद्धि इसका बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब ये तो बिल्कुल कमजोर है, 100% कमजोर है, यूँ मान लीजिए एक तरीके से। अब वो लग्न कुंडली में कोई अलग स्थिति हो और उसके आधार पर कोई योग बनता हो, वो क्रिएट हो जाए, वो चीज अलग है, लेकिन उसको इससे नहीं देखते अपन। लिखा जीवन मृत्यु, हाँ हाँ, ये भी देखा जाएगा इससे। हाँ हाँ, अब देखिए उन्नति और यश, ये भी इस कुंडली से देखा जाता है। तो उन्नति और यश में क्या है कि इसमें जो दिशाएं हैं, जैसे ये उत्तर दिशा है मानी जाती है, इसमें ये पूर्व मानी जाती है, ये पश्चिम मानी जाती है और ये दक्षिण मानी जाती है। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये पश्चिम है और इसमें क्या है कि शनि बैठा हुआ, ये दिग्बली है, तो इस दिशा में इसके यश को फैला सकता है, इसकी उन्नति इस दिशा में कर सकता है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में इसकी प्रोग्रेस हो सकती है, ये मान लीजिए। अब ये दूसरी दिशा में ऐसे मानेंगे, हाँ हाँ, लग्न में भी, हाँ कुंडली में तो इसी स्थिति में मानेंगे हम। अब इसमें क्या है कि जैसे ये उत्तर है तो ये तीन भाव उत्तर के ही है, यूँ मान लीजिए, ये तीन भाव पश्चिम के ही है, यूँ मान लीजिए, ये तीन भाव दक्षिण के, ऐसा मान लीजिए, ये तीन भाव पूर्व के है, ये मान लीजिए आप। अब इनमें जो ग्रह, जो दिग्बली ग्रह, जैसे मान लीजिए शनि यहाँ भी बैठ जाएगा तो भी दिग्बली माना जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा तो भी दिग्बली माना जाएगा, ये है। शनि को देखेंगे अपन, नहीं शनि को नहीं देखेंगे, यानी उन्नति यश के लिए उसी ग्रह को देखेंगे जो दिग्बली है। इसमें अपन शनि कैसे मानेंगे दिग्बली है? शनि पश्चिम में ही दिग्बली होता, पश्चिम दिशा में ही बलवान होता है, तो मैंने लिखाया था ना पहले आपको, लिखाया हुआ है कि कौन सा किस दिशा में। अच्छा, हाँ, सूर्य और उत्तर में चंद्रमा। अब ये क्या है कि इसमें जो बृहस्पति है, बृहस्पति भी क्या है कि उत्तर में दिग्बली होता है, तो ये बृहस्पति भी यहाँ पर जो है इस दिशा में भी, इसका उत्तर में भी क्या है कि ये यश उन्नति प्राप्त कर सकता है, तो दो दिशाएं हैं इसके पास। अब दो दिशाओं में ये है कि इसमें बलवान कौन है, दोनों में, हाँ, तो दोनों दिशाओं में बलवान है बृहस्पति इस कुंडली में, क्योंकि ये क्या है कि इस प्लस भाव का मालिक है, इस प्लस भाव का मालिक है और लग्न में बैठा है और इसका मित्र है लग्न का, जबकि यहाँ पर शनि क्या है कि एक इस माइनस भाव का भी मालिक है और दूसरी बात इसका मित्र भी नहीं है, तो शनि कम बलवान है, बृहस्पति अधिक बलवान है, इसलिए क्या है कि भले ही पश्चिम दिशा में इसके चांस बनेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि वहाँ न जाए और उत्तर में ही जाए और उत्तर में ही प्रोग्रेस मिले इसको। तो इस तरह से क्या है कि हम सूर्य कुंडली में ये स्थिति भी इसकी देखते हैं।
पूर्व में कोई बलवान नहीं है इसके? पूर्व में तो नहीं है ना बलवान, पूर्व में नहीं है, दक्षिण में कोई ग्रह है ही नहीं। तो ये क्या है कि ये स्थिति, इसका ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि अब जैसे जीवन मृत्यु के बारे में हम देखते हैं इसमें, तो सूर्य कुंडली में सूर्य जो है ये प्लस भाव का मालिक होकर के यहाँ बैठा है, यूँ मान लीजिए, और ये अष्टम वाला स्वामी यहाँ बैठ गया। इसका मतलब जीवन तो कष्टप्रद स्थिति में हुआ, यानी जिस समय पैदा हुआ उस समय जीवन में संकट था कि बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति में पैदा हुआ। क्योंकि जीव भी क्या है कि इसके साथ और आत्मा भी यहाँ पर है, और ये क्या है कि अष्टमेश मृत्युभाव का स्वामी भी यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब क्या है कि जीव और आत्मा दोनों को संशय है कि मतलब जो है जिएगा भी कि नहीं जिएगा, उस स्थिति में पैदा हुआ है। अब लेकिन अब जीवन और मृत्यु के बारे में अब ये देखना है कि अब इसमें क्या है कि मृत्यु के विषय में देखना है कि भाई इसकी क्या है कि आयु का योग कैसा क्या है। तो हम ये देखते हैं इसमें कि पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ का मालिक होकर के जैसे यहाँ बैठा है, यानी इसका कोई दीर्घायु योग नहीं है। यहाँ का मालिक है ये भी यहाँ बैठा है, ये भी दीर्घायु योग नहीं बना रहा। यहाँ का मालिक है ये भी यहाँ अंदर बैठा है, ये भी दीर्घायु योग नहीं बना रहा, और यहाँ का मालिक भी अंदर बैठा है दीर्घायु योग नहीं बना रहा। तो इस सूर्य कुंडली में क्या है कि दीर्घायु योग सूर्य कुंडली में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आयु मध्यम ही है। तो ये इस तरह से हम क्या है कि इसको जीवन मृत्यु के विषय में इसमें देख सकते हैं कि भाई जो है इसका जीवन किस स्थिति में हुआ, और मृत्यु का भी ये है कि जैसे यहाँ पर यहाँ का मालिक ये जो है ना जैसे मृत्यु का स्वामी, मृत्यु भाव है तो इसका स्वामी जैसे यहाँ बैठा ही मान लीजिए एक तरीके से। तो ये क्या है कि मृत्यु किस स्थिति में होगी, इसमें क्या है कि मृत्यु में बृहस्पति भी कारक हो सकता है, सूर्य भी कारक हो सकता है, मतलब इन दोनों का योग है यहाँ पर, दोनों ग्रहों का इससे संबंध है। तो मृत्यु से संबंध होने के कारण क्या है कि जैसे अग्नि के कारण भी मृत्यु हो सकती है, और बृहस्पति का मतलब है किसी जीव के कारण भी हिंसा हो सकती है। तो ये क्या है कि इस तरह से हम क्या है कि इस कुंडली से कुछ निर्णय मतलब जो है ना इस तरीके से इन दो तीन विषयों में मुख्य रूप से इसको देखते हैं। अगर इसमें वृश्चिक लग्न हुआ तब तो, हाँ वृश्चिक लग्न है ना ये, तो सूर्य कुंडली है। हाँ हाँ नहीं कैसे हो जाएगी आप बताओ उसमें भी, क्योंकि इसमें दीर्घायु योग तो नहीं बन रहा ना, इसमें भी लग्न कुंडली मानेंगे तो भी दीर्घायु योग तो क्या है कि इसका स्वामी इसमें बैठे या इसका इसमें बैठे या इसका इसमें बैठे या इसका इसमें बैठे, कहीं मतलब ये इंटरचेंज हो ना ये वाले माइनस वाले, तब दीर्घायु योग बनेगा ना। ये है दीर्घायु योग तो यही बनाते हैं, माइनस वाले जो भाव के जो स्वामी हैं वो माइनस वाले में ही बैठे हैं तो दीर्घायु योग बनता है। अष्टमेश के लग्न में बैठने से नहीं, नहीं नहीं ये तो आयु को कम करता है। ये है माइनस भाव के स्वामी 3, 6, 8, 11 के, ये क्या है कि इन्हीं में बैठे तब क्या है कि ये दीर्घायु योग बनाते हैं। तो दीर्घायु योग तो क्या है कि इसका बनेगा नहीं, हाँ हाँ उल्टे सीधे कहीं पर भी बैठ जाएं तो वो बना सकते हैं, तो वैसा योग इसका है नहीं। चलिए तब तो रिकमेंड करो आप, अब पुस्तक तो इसमें क्या रिकमेंड की जाए क्योंकि ये तो विषय तो आगे दे रहता है वो बोलने देते ना।